tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बाकू का हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में आज हम निकले हैं एलनूर भाई के साथ। एलनूर भाई हमारे गाइड हैं। मिस्टर एलनूर भाई मूसा के साथ मसरूफ हैं जब तक। हमारे एलनूर भाई, बहुत शुक्रिया। वी आर फाइन विद मूसा भाई। एलनूर भाई, हम किधर हैं, हम कहाँ पे हैं? बहुत शुक्रिया। गुड यार। हाईलैंड पार्क में। यस यस यस, हाईलैंड पार्क, फ्लेम टावर्स, द बेस्ट व्यू टू सिटी। यहाँ का व्यू है फ्लेम टावर्स का। हाईलैंड पार्क में मौजूद है अभी। ये तकरीबन कोई 200 सीढ़ियाँ चढ़नी और ऊपर, और फिर पार्क स्टार्ट होगा। हाँ भाई मलिया, हाँ। आ जाए, चलो भाई ऊपर चलो। एलनूर भाई ने मूसा भाई को होल्ड किया हुआ है, वो मूसा के साथ हैं। हाँ भाई, मूसा मूसा भाई, आर यू एंजॉयिंग विद एलनूर भाई? ताया आ जाओ आ जाओ, अभी तो बहुत सीढ़ियाँ हैं भाई। भाई अगर यहाँ पे आना है तो इस बात का ख्याल रखें नहीं सीढ़ियों पर चढ़ सकते, वो ये चीज़ देख के आए। अच्छा, तो इस वक्त आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये फ्लेम टावर्स हैं। बाकू की पहचान समझ लें, बाकू की आइडेंटिटी है। हाईवे हैं जिस पार्क के अंदर, हमें हाईलैंड पार्क के अंदर है। यहाँ से ये कैस्पियन सी आपको नज़र आ रहा है सामने, जो ये व्हील टाइप का है, ये बाकू आई है। इज इट बाकू आई, राइट? या बाकू आई है। और यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आता होगा, जाएंगे अभी वहाँ पे भी। ये यहाँ का डेनिस मॉल है बहुत बड़ा, वो होटल्स हैं यहाँ पे, पूरा शहर जो है आपको यहाँ से नज़र आता है। ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू। तो बाकू सिटी टूर के अंदर जब आप आएँ तो आप ये हाईलैंड पार्क को अपने साथ उसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। लेकिन एक बात जहन में रहे कि यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो जो भी प्लान उस हिसाब से बनाइएगा। अगली डेस्टिनेशन जो हमारी है वो बड़ी काफ़ी मशहूर, आई लव बाकू का जो साइन है हैदर अली सेंटर, वो ये वो जगह है। यहाँ पे लोग रुक के पिक्चर्स खिंचवाते हैं। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा गार्डन है, ज़बरदस्त बिल्डिंग्स, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, ग्रीनरी बहुत है अज़रबैजान में यार। मुझे तो बड़ा बहुत पसंद आया। पीछे आपके हैदर अली सेंटर है और ये आई लव साइन, आई लव पार्क। हैदर अली सेंटर के अंदर आने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है, जो एक टिकट होता है 15 मनात का। तो अगर आप यहाँ पे आएँ और आपका प्लान है अंदर आने का, एग्जीबिशन वगैरह देखने का, तो आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। 15 मनात का एक टिकट है। हैदर अली सेंटर के अंदर जा रहे हैं, मूसा और मलिया भी हमारे साथ हैं। हाँ भाई मलिया, हैदर अली सेंटर के अंदर जो है वो ये जैसे आई थिंक पुरानी इनकी गाड़ियां हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पे। और सबसे पहले वाओ ब्यूटी, क्या चीज़ है यार, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से ये इनके हुक्मरानों की गाड़ियां हैं, हैदर अली जो इनके हुक्मरान थे उनकी गाड़ी है ये। क्या ही बात है, ब्यूटीफुल। ये बेसिकली एक म्यूज़ियम है, यहाँ पे कारपेट आर्ट है और इल्यूजन्स हैं, गाड़ियाँ हैं पुरानी, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट्स सी, ये अल्फाबेट से कार्ड बना हुआ है करीब अगर आप जाए तो। आप काफ़ी उसको बैठ से रेस्टोरेंट पे यहाँ पे रुके हैं,
खाना खाने के लिए मैं आपको जल्दी से डिशेस दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे लैम्ब है, कबाब्स हैं, चावल, आलू गोश्त टाइप सालन, मटन, बहुत अलग अलग किस्म की डिशेज हैं। सैलेड है, लस्सी है, अचार है, बहुत ही एक डिफरेंट वाइब है यहाँ की। पिज्ज़ा, यहाँ ब्रेड बन रही है, फ्रेश ब्रेड, बड़ी ज़बरदस्त ब्रेड होती है। खाने में हमारे पास यहाँ पे बिरयानी है, बिरयानी टाइप का कुछ चावल है, सैलेड है, ईरान है, लस्सी है, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी ब्रेड है, क्रिस्पी गरम गरम, बहुत ही मज़ेदार। तो पहले बिरयानी ट्राई करते हैं, ये कुछ बीफ है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे ईरान जो है यहाँ पे लबन थोड़ी डिफरेंट है, इसमें मिंट है, थोड़ा सा खीरे का भी टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मुनफरद है। बिरयानी के साथ यहाँ पे ये कबाब भी है हमारे पास, यहाँ पे कबाब भी आ गए हैं और कबाब ट्राई करते हैं, बहुत ही रस भरे जूसी कबाब हैं। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही मज़ेदार, ट्राई करना चाहिए। कहवा यहाँ पे इस स्टाइल में पिया जाता है भाई, छोटी सी छोटे से ग्लास में, ज़बरदस्त ग्लास है भाई, इसमें पीने का मज़ा ही अलग है, बहुत ज़बरदस्त। खाने के बाद इज़ अ मस्ट। इस वक्त मौजूद है फायर टेंपल के अंदर, हज़ारों सालों से यहाँ पे जो है, हज़ार साल पहले तकरीबन हिंदू जो हैं वो यहाँ पे सारे पूजा करते थे, यहाँ पे ये आग जलती रहती थी, इसे इसका नाम फायर टेंपल है। और अब इसको सालों बाद जो है वो पूरे मंदिर की जगह, ये पहाड़ है बकायदा इसको, लेकिन अब काफ़ी हद तक काट दिया गया, लेकिन इसके थोड़े निशाना छोड़े गए ताकि पता चले कि ये पहाड़ है। ये अंदर कमरे बने हुए हैं, ये कुछ कुआं टाइप की जगह है यहाँ पे, अगर जिसको हिस्ट्री का शौक है वो यहाँ पे ज़रूर है आके देखे एक दफ़ा कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आग जलती रहती है यहाँ पे 24 घंटे। ये कमरे मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे कैदियों को रखा जाता होगा, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बंदे, अच्छी जगह है, आके देखना चाहिए, हिस्ट्री लवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ये। जो मेन टेंपल है वो ये इसके अंदर है, मैं अभी इसकी वीडियो बनाता हूँ। ये मेन टेंपल है, यहाँ आग जलती रहती है 24 घंटे। हाँ भाई, तो अगला स्पॉट हमारा है यनरदाग। यनरदाग जो है यार एक ये पहाड़ी है छोटी सी, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से पहाड़ पे पूरा साल आंधी हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, ये आग जलती रहती है। और यहाँ पे अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए, एक अच्छा सीन है यहाँ पे बना हुआ। तो ये आग देखें, ये कोई पीछे से आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल
गैस है जिसकी वजह से यहाँ पे ये आग लगी रहती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो आपको शायद नज़र आ रहा हो वीडियो के अंदर, कि लोग यहाँ पे सिक्के फेंक के मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे ये सिक्के हैं पड़े हुए, काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे सिक्के, ये देखा वीडियो में। तो ये लोग जो हैं वो मन्नत भी मांगते हैं यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रेंज हो गया है। तो भाई ये इसका ग्राउंड है, मूसा यहाँ पे आग एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनको आग के पास। अच्छी जगह है। तो आपको ये जो जो जगह मैं विज़िट करवा रहा हूँ या विज़िट कर सकते हैं अपना ड्राइवर यहाँ पे हायर करके, ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं आप। तो अच्छा, बाकी जो टूर सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो मैं यहाँ के लोकल का नंबर इसमें अटैच कर दूँगा, अल्लूर भाई, आप उनसे रابطہ कर सकते हैं अगर आप टूर के लिए आ रहे हैं अज़रबैजान, आपको होटल बुकिंग करवानी है, कुछ भी करवाना है, ड्राइवर चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, वो सब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ड्राई फ्रूट लेने आए हो मुसा? अपनी फैमिली के ड्राई फ्रूट। बाकू की फ्रेश फ्रूट मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो भाई जो सबसे क्रेडिबल शॉप इस वक्त यहाँ पे है, आप अंदर आएंगे दूसरे हॉल में, कबाला केयर्स के नाम से, तो ये शॉप आप देख लें। ये शॉप बहुत ही रीज़नेबल रेट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और किशमिश, हेज़लनट्स, अखरोट, काफ़ी वैरायटी है भाई चीज़ों की। तो यहाँ पे आप आएँ और यहाँ की लोकल चाय, काफ़ी किस्म की चाय है भाई, ये देखो चाय है, ये ऑरेंज टी, काफ़ी किस्म की चाय है भाई। तो यहाँ पे जब भी आप आएँ तो इस शॉप पे आके आप परचेजिंग कर सकते हैं। हर किस्म का ड्राई फ्रूट यहाँ पे मौजूद है भाई, दुनिया का मसाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवोकाडो, अंगूर, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, अरे भाई क्या जगह है यार ये, पोमेग्रेनेट्स, छोटे छोटे कीनू भाई, बहुत ही लाजवाब। हम लोग स्ट्रॉबेरी,